गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, असमी विद्यालय किलापाड़ी, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में रिवीजन के अंदर हम देखते हैं कि समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर एक, लोक। लोक का समानार्थी शब्द विश्व, दुनिया। मान, मान का समानार्थी शब्द होता है सम्मान, प्रतिष्ठा। नंबर तीन, निराशा। निराशा का समानार्थी निशान। निशान का समानार्थी शब्द चिन्ह, संज्ञा। नंबर चार, हाथ। हाथ का समानार्थी शब्द हस्त, पाणि। नंबर पाँच, अंबर। अंबर का समानार्थी शब्द आकाश, आसमान, गगन। नंबर छ, नदी का समानार्थी शब्द होता है सरिता। नंबर सात, स्थान। स्थान का समानार्थी शब्द जगह। नंबर आठ, स्वभाव। स्वभाव का समानार्थी शब्द प्रकृति। नंबर नौ, मुसीबत। मुसीबत का समानार्थी शब्द संकट। नंबर दस, प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी शब्द खुश। नंबर ग्यारह, थिरकना। थिरकना का समानार्थी शब्द होता है नाचना। तो बच्चों, समानार्थी शब्द इनमें से ही ये ग्यारह हैं, इनमें से ही समानार्थी शब्द एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। अब देखते हैं विरोधी शब्द लिखिए। नंबर एक, दयालु। दयालु का विरोधी शब्द होता है निर्दय। दो, बहुत। बहुत का विरोधी शब्द थोड़ा। स्वस्थ। स्वस्थ का विरोधी शब्द अस्वस्थ। खुश। खुश का विरोधी शब्द होता है नाखुश। जन्म। जन्म का विरोधी शब्द मरण। बुराई। बुराई का विरोधी शब्द होता है भलाई। शुभ। शुभ का विरोधी शब्द अशुभ। चेतन। चेतन का विरोधी शब्द जड़। जीवन। जीवन का विरोधी शब्द होता है मृत्यु। स्वामी। स्वामी का विरोधी शब्द दास। नंबर ग्यारह, प्रकाश। प्रकाश का विरोधी शब्द होता है अंधकार। नंबर बारह, छोटा। छोटा का विरोधी शब्द बड़ा। तो बच्चों, विरोधी शब्द ये बारह शब्द हैं, इनमें से ही आपको हिंदी की एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं लिंग परिवर्तन कीजिए। तो नंबर एक, आदमी। आदमी का लिंग परिवर्तन होता है औरत। राजा। राजा का लिंग परिवर्तन रानी। पुत्र। पुत्र का लिंग परिवर्तन पुत्री। मोर। मोर का लिंग परिवर्तन मोरनी। हिरण। हिरण का लिंग परिवर्तन हिरनी। कुमार। कुमार का लिंग परिवर्तन कुमारी। नंबर सात, दादा। दादा का लिंग परिवर्तन होता है दादी। नंबर आठ, बेटा। बेटा का लिंग परिवर्तन बेटी। नौकर। नौकर का लिंग परिवर्तन नौकरानी। देवर। देवर का लिंग परिवर्तन देवरानी। सेवक। सेवक का लिंग परिवर्तन होता है सेविका। अभिनेता। अभिनेता का लिंग परिवर्तन अभिनेत्री। नायक। नायक का लिंग परिवर्तन होता है नायिका। रूपवान। रूपवान का लिंग परिवर्तन रूपवती। नंबर पंद्रह, सहपाठी। सहपाठी का लिंग परिवर्तन होता है सहपाठिनी। ठाकुर। ठाकुर का लिंग परिवर्तन ठाकुराइन। नंबर सत्रह, ग्वाला। ग्वाला का लिंग परिवर्तन होता है ग्वालिन। धोबी। धोबी का लिंग परिवर्तन होता है धोबिन। तो बच्चों, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द और लिंग परिवर्तन कीजिए, मैंने ये वीडियो में जो करवाए हैं उनमें से ही आपको हिंदी की एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो बच्चों, ये वीडियो देखकर आपको उसकी तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं कि वाक्यों में से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि ये वाक्य दिया गया होगा, तो आपको उनमें से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखना है। तो नंबर एक, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। तो इसमें विशेषण क्या है? तो सुंदर। तो आपको ये वाक्य दिए जाएंगे, तो आपको उनमें से विशेषण ढूंढना है। नंबर दो, गाय के चार पैर होते हैं। तो उसमें विशेषण शब्द कौन सा है? चार। नंबर तीन, उसका भाई विदेश गया। ये वाक्य में विशेषण शब्द है उसका। नंबर चार, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो इनमें विशेषण शब्द है थोड़ा। नंबर पाँच, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तो विशेषण शब्द क्या होगा कि लाल गुलाब है, लेकिन कैसा? तो लाल। नंबर छ, तीसरा कमरा खाली था। तो विशेषण शब्द क्या है?
तीसरा नंबर सात, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, तो दिन है लेकिन कितने 15, इसलिए विशेषण शब्द होगा 15। तो बच्चों ये सात वाक्य करवाए हैं उनमें से ही वाक्य पूछे जाएंगे, तो आपको विशेषण वाक्यों में से विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए, उसमें उसकी तैयारी करनी है। और क्वेश्चन है कि शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो बच्चों एग्जाम के अंदर कोई भी शब्द आएगा तो आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो उसमें देखते हैं नंबर एक रोशन करना, तो उसका अर्थ होता है प्रकाशित करना, और वाक्य बनेगा दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। वाक्य कैसे बनेगा कि दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है, तो रोशन करता है यहाँ पर आ गया। नंबर दो इंसान बनना, तो अच्छा आदमी बनना, उसका अर्थ क्या होता है अच्छा आदमी बनना। वाक्य बनेगा अच्छे काम करके ही हम इंसान बन सकते हैं। वाक्य कैसे बनेगा कि अच्छे काम करते ही हम इंसान बन सकते हैं। प्रश्न नंबर तीन सॉरी मुहावरा तीन नाम कमाना, तो उसका अर्थ है यश पाना। वाक्य बनेगा गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। तो बच्चों आपको एग्जाम के अंदर ये मुहावरे में से एक मुहावरा पूछा जाएगा। तो अब हम देखते हैं सेक्शन डी में कहानी पत्र लेखन और निबंध। तो बच्चों मैंने आपको जो निबंध की नोटबुक में कहानियाँ निबंध और पत्र लेखन करवाया है उनमें से ही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो आपको निबंध की नोटबुक में से निबंध की कहानियों की और पत्र लेखन की तैयारी करनी है और एग्जाम के अंदर लिखना है। थैंक यू।